दोस्तों मेरे प्लांट डिग्री चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम यहाँ फुरकैरिया प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। कितना ही खूबसूरत प्लांट है, आप देख सकते हैं। चार पॉट में लगा हुआ है, गमले इसके बहुत बड़े हैं और खूबसूरती इसकी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो पॉट हैं, जो गमले हैं, उनको कलर किया है वाइट कलर से। तो दोस्तों आप इसकी खूबसूरती को देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको ये पौधा देख करके स्नैक प्लांट भी याद आ रहा होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लोग कि ये स्नैक प्लांट है या कोई दूसरा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्नैक प्लांट अलग होता है और फुरकैरिया का जो प्लांट है वो अलग होता है। दोनों देखने में थोड़ा सा सिमिलैरिटी तो होती है, लेकिन दोस्तों ये बात सही है कि दोनों ही प्लांट जो हैं वो हार्डी प्लांट होते हैं। ये जो प्लांट है फुरकैरिया का, इसमें धूप की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है, फुल सनलाइट में ये खिलता है, इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। जितना अच्छा स्पेस देंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने बड़े गमले में लगा हुआ है, तो इसके जो प्लांट है उसका साइज़ भी आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा और बड़ा जो है प्लांट है यहाँ पे। अगर फैमिली की बात करें तो ये अमरेलेसिस फैमिली से आता है दोस्तों। और दोस्तों अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये कैक्टी और सैकुलेंट कैटेगरी का होता है। ये अपनी पत्तियों में बहुत सारा जो है लिक्विड भर के रखता है, यानी कि इसे पानी देने की ज़रूरत बहुत कम होती है। ये अपने आप में अपनी पत्तियों में पानी को, लिक्विड को जमा कर लेता है, गर्मी को बहुत अच्छे से जो है बर्दाश्त कर सकता है। तो दोस्तों जैसे स्नैक प्लांट की देखभाल होती है, बिल्कुल वैसे ही इसकी देखभाल की जाती है। और गर्मी का जो मौसम है इसके लिए बहुत अच्छा होता है। राजस्थान के कई जगहों पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ये काफ़ी पाया जाता है। दोस्तों जब आपको लगे कि इसकी जो नीचे की पत्तियाँ हैं वो ख़राब होने लगी हैं या उनका कलर बदलने लगा है, तो नीचे की जो पत्तियाँ हैं उनको आप, पुरानी पत्तियाँ जिनको कहेंगे, उनको आप काट दें, प्रूनिंग कर दें, ताकि ऊपर और नई नई पत्तियाँ आएंगी और जो नई पत्तियाँ आएंगी वो काफ़ी हेल्दी होंगी। तो दोस्तों इसकी देखभाल की अगर बात करें तो ज़्यादा इसको देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसको सनलाइट में आप रख दीजिए, पानी की भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो खाद है, खाद भी आप 2-3 महीने में एक बार दे दें तो काफ़ी अच्छा होता है इसके लिए। और दोस्तों इसकी जो फ्लावरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फ्लावरिंग बहुत कम होती है, या यूँ कह लीजिए कि कम से कम 2-3 साल में एक बार इसमें फ्लावर आता है। और इसकी अगर हाइट और लेंथ की बात करें तो ये 1-2 मीटर तक हो सकता है। और ये काफ़ी सूटेबल होता है जो रोड होते हैं, रोड के बीच में जो पटरियां होती हैं, मतलब डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर में इस पौधे को लगाया जाता है शहरों में, क्योंकि इसकी केयर मैंने बताया बहुत कम होती है। एक बार इसको डिवाइडर सड़क पे लगा दिया डिवाइडर के बीच में, तो ये पौधा इतनी जल्दी मरता नहीं है, आराम से चलता है, काफ़ी दिनों तक लगा रहता है।